हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम लॉन्ग हेयर ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये है हमारी रेफरेंस पिक जो मैं ड्रॉ करूंगा, और जैसे कि मैंने आउटलाइंस ड्रॉ कर रखी है। और सबसे पहले मैं हेयर्स का जो फ्लो है, जो डायरेक्शन है, मैं हर बार आपको बताता हूँ, सेम वे वो ड्रॉ कर ले रहा हूँ यूजिंग मैकेनिकल पेंसिल। आप लाइट पेंसिल कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने ज़रा वीडियो को क्विक रखा है, इसके बाद मैं ज़रा स्लो करूँगा। सो इस तरह से आपको जो हेयर्स का फ्लो है, जहाँ पे आपकी शेडोज क्रिएट हो रही है, सो आपको इस तरह से एरिया को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि कौन से एरियाज डार्कर हैं। सो मैं डार्कर एरियाज के लिए इस तरह से शेड कर ले रहा हूँ। सो मुझे पता रहेगा इन एरियाज को हमें डार्क शेड करना है, और जहाँ हमारी लाइट पड़ रही है उन एरियाज पे मैं पेंसिल अप्लाई नहीं करूँगा। सो इस तरह से हम हेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और हेयर्स के फ्लो को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो अगर आप हेयर्स के फ्लो पर फोकस करोगे तो आपके जो हेयर्स है वो काफ़ी रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाएंगे। सो मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करके हेयर्स के जो फ्लो हैं वो ड्रॉ कर लिए, जो डार्कर एरियाज हैं उन्हें मार्क कर लिया है, और इसी तरह से हम फर्स्ट स्टेप जो है वो प्रोसीड करते हैं। सो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से अप्लाई कर दिए है हेयर्स की स्ट्रोक्स, पेंसिल की स्ट्रोक्स अप्लाई कर दी, और अब मैं जो हमारे डार्कर एरिया से जहाँ पे हमारी शेडोज क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सो लेयर बाय लेयर हम वर्क करेंगे। ये फर्स्ट लेयर है और फर्स्ट स्टेज है। यहाँ पर हम ब्लेंड करते हैं सिंपली, और इससे हमें और भी अच्छा आइडिया मिल जाता है, पता लग जाता है कि हमारे कहाँ पे डार्कर एरियाज रहेंगे और कहाँ पे लाइट। और मैंने स्टार्टिंग में जो मैकेनिकल पेंसिल में अप्लाई कर रहा था, तो उससे मैंने जो वाइट हाइलाइट्स है वो भी कुछ अप्लाई की थी। सो अब मैं यहाँ पे चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, चारकोल 4B। सो जहाँ हमारे डार्कर एरियाज है वहाँ मैं इसे अप्लाई कर रहा हूँ। सो आपको दिख रहा होगा कि बीच बीच में आपको वाइट लाइंस दिख रही होगी, ये मैकेनिकल पेंसिल की पॉइंट को मैंने जब अंतर करके अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, ये उसी के मार्क्स है। सो आप एम्प्टी पेन यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो स्टार्टिंग में ही आपको यूज़ करना है एम्प्टी पेन। इससे क्या होगा कि जो आपका वाइट हाईलाइट जैसा इफेक्ट आपकी ड्राइंग में नज़र आएगा जब आप ऊपर से चारकोल या ग्रेफाइट अप्लाई करोगे। मैं जहां डार्कर एरिया से वहां चारकोल अप्लाई कर दे रहा हूं। सो हम प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, और लेयर बाय लेयर। सो मैं लेफ्ट साइड के एरिया पे वर्क कर रहा हूं, और मैं पहले से फिनिश कर दूंगा। सो चारकोल अप्लाई करने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूं यूजिंग मेकअप ब्रश, और जो हमारे डार्क एरिया उसे मैं ब्लेंड कर दूंगा। सो वहाँ का जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डार्क वैल्यूज़ हैं वो और डार्क हो जाएंगी, और जहाँ लाइट वैल्यूज़ है वहाँ मैं काफ़ी जेंटल तरीके से ब्रश को अप्लाई करूँगा। सो अब देख रहे हो कहीं कहीं मैंने ब्रश अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो हाईलाइट वाला एरिया है, सो वहाँ पर हम हाईलाइट अप्लाई करेंगे। सो अब सेकेंड में पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्टेनोरी की पेंसिल जो कि काफ़ी डार्क होती है। तो यहाँ पे हमारे डार्कर रीजन है, इसलिए मैं इस पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैंने जनरल्स की 4B यूज़ की, और उसके बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टेनोरे की 3B पेंसिल। तो ये काफ़ी डार्क और काफ़ी अच्छी तरह से ब्लेंड होती है, तो हेयर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ये पेंसिल है। तो जहाँ जहाँ हमारे डार्कर एरिया से वहाँ मैं अप्लाई कर रहा हूँ, और सेम फिर से मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा। सो फर्स्ट में हमने मैकेनिकल पेंसिल अप्लाई की और जो हेयर्स का स्ट्रोक्स है वो दिखाया। सेकंड में हमने जनरल्स की 4B पेंसिल यूज़ की एज सेकंड लेयर, और थर्ड में हमने यूज़ की कॉन्टे की 3B पेंसिल एज थर्ड लेयर, और उसके बाद हमने ब्लेंड कर दिया। सो इस तरह का आपको इफेक्ट नज़र आएगा, और फिर हम अगर हाईलाइट्स कर देंगे तो आपको जो टोटल रियलिस्टिक लुक है वो नज़र आएगा। सो हाईलाइट्स में अभी इस पर और करूँगा लास्ट में, उससे पहले मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ और अच्छी तरह से, ताकि एक स्मूथ सा इफेक्ट हमें नज़र आए।
सो हमारा लेफ्ट साइड लगभग फिनिश है, बस मैं लास्ट में फिनिशिंग टच दूंगा उस पर। और अब मैं वर्क कर रहा हूँ रेस्ट पार्ट ऑफ द हेयर्स में, जो हमारा बचा हुआ हेयर्स का पार्ट है। सो आप देख रहे हो जहाँ पे हमारी डार्क वैल्यूज है, मैं सिर्फ उसे ऑप्ट कर रहा हूँ, डार्कर रीजन्स पे स्ट्रोक सप्लाई कर रहा हूँ यूजिंग जनरल पेंसिल। ये जनरल्स की चारकोल पेंसिल काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी डार्क होती है। इसमें आपको 3 ग्रेड्स मिलते हैं, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B जो कि मीडियम है। और जो हेयर्स का फ्लो है मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं, और जहाँ डार्कर रीजन से वहाँ मैं ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, और जहाँ हाईलाइट से वहाँ मैं लीव कर दे रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको कुछ अप्लाई करना है चारकोल को, और उसके बाद आपको ब्लेंड करना है। सो राइट साइड में भी मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो ये हमारी फर्स्ट लेयर है, सॉरी फर्स्ट लेयर में मैंने मैकेनिकल पेंसिल यूज़ की थी, और ये है सेकंड लेयर चारकोल की। सो इसके बाद मैं और भी लेयर अप्लाई करूँगा। सो मैं अब यूज़ कर रहा हूँ थर्ड लेयर, और इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टेनोरे की डार्क पेंसिल जो मैंने राइट साइड में भी यूज़ की थी। सो उससे मैं सिर्फ डार्कर एरियाज पर अप्लाई करूँगा, और ये ब्लेंड काफ़ी अच्छी तरह से होती है। सो अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको पता लगेगा कि काफ़ी अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाती है। सो मैंने डार्क एरियाज पे अप्लाई कर दिया है कॉन्टे पेंसिल को, और फिर से मैं यूज़ करूँगा मेकअप ब्रश इसे ब्लेंड करने के लिए। सो अब देख रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश इसे ब्लेंड करने के लिए, और काफ़ी अच्छी तरह से स्मूथली ये ब्लेंड हो जा रही है। सो यही है ब्लेंडिंग की टेक्निक्स जो मैं यूज़ करता हूँ। और मैंने जो आपको वीडियो में बताया था कि बेस्ट ब्लेंडिंग टूल कौन सा है, सो ये चारकोल पेंसिल है। तो चारकोल के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रश काफ़ी अच्छा वर्क करता है ब्लेंडिंग के लिए। सो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ क्लोथ यूज़ करता तो हमारी जो वैल्यूज है वो काफ़ी लाइट हो जाती। सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टोम्बो मोनो 0 इरेजर हाईलाइट्स के लिए। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट में हाईलाइट्स दूंगा, सो यहाँ पे मैं हाईलाइट्स दे रहा हूँ जहाँ पे हमारी रेफरेंस में हाईलाइट्स है, सेम उन एरियाज पे। और हाईलाइट अप्लाई करने के बाद भी मैं चेक करूंगा कि कहीं मेरी वैल्यूज कहीं पे अगर लाइट है तो मैं इसे डार्क करने की कोशिश करूंगा। और कम्प्लीटली आपको इसे फिनिश करना है काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए, और जो हेयर्स का फ्लो है, जो डायरेक्शन है, उन्हें भी आपको काफ़ी केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सो मोनो 0 इरेजर आप यूज़ कर सकते हो, या पेंसिल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, या फिर आप नीडेड इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। सो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ 2B चारकोल, जहाँ पे थोड़ी सी मुझे और डार्कनेस चाहिए। सो 2B ज़्यादा डार्क नहीं होती, सो इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे हल्की फुल्की डार्कनेस और चाहिए, और फिर से मैं इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो जो हमारा मेन वर्क था लेयर्स अप्लाई करने का, हाइलाइट्स का, वो फिनिश हो गया। अब बस जो हमारा फाइनल टच रह रहा है वो रह रहा है। सो फाइनल टच में हम ऑब्जर्व करते हैं रेफरेंस को और अपनी ड्राइंग को, और जहाँ भी हमें कुछ मिसिंग लगे सो उसे हम कंप्लीट करते हैं। सो मैं और यहाँ पे हाइलाइट्स अप्लाई कर रहा हूँ। सो अब देख रहे हो किस तरह से हम हाइलाइट्स अप्लाई करते हैं। हाइलाइट्स आपको अप्लाई करने के लिए यूज़ करना है इरेजर को, और जिस एरियाज पे हाईलाइट से आपको केयरफुली उसी एरियाज पे हाईलाइट अप्लाई करनी है, और फिर हल्की सी ब्लेंडिंग कर देनी है। और जहाँ जहाँ मुझे लग रही है कि जो शेडोज है हेयर्स के अंडर में वो और डार्क होनी चाहिए, तो उसे मैं डार्क कर दे रहा हूँ 2B मीडियम यूज़ करके, 2B जनरल्स की पेंसिल यूज़ करके, और लगभग हमारी ड्राइंग फिनिश हो गई है। बस थोड़ा बहुत जो हमारा फिनिशिंग टच रह रहा है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको हेयर्स में वर्क करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप वर्क करोगे, और आपको काफ़ी पेशेंस के साथ वर्क करना है, अगर आप हड़बड़ी में काम करोगे तो आपकी जो हेयर्स की स्ट्रोक्स है, जो हेयर्स का डायरेक्शन है, फ्लो है, वो काफ़ी गलत हो सकती है। सो आपको फुल्ली टाइम देना है पेशेंस के साथ, और लास्ट में आपको जो नियर बाई एरिया उसे क्लीन कर देना है, क्योंकि जब हम चारकोल के साथ वर्क करते हैं तो काफ़ी मेसी हो जाता है, और आसपास के एरिया जो पेपर है वो काफ़ी डर्टी हो जाता है। तो उसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और रिजल्ट है आपके सामने, और जो साइड के एरियाज हैं उन्हें भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ।
यही था फ्रेंड्स आज की वीडियो में, और इसमें मैं और फाइनल टच दूंगा जब मैं फेस को कंप्लीट करूंगा। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप काफ़ी कुछ सीखे होगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपने अगर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक नहीं किया तो वो भी क्लिक कर दें। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।